जिनको हम विनायक जी भी कहते हैं, उनके हजारों नाम हैं, आज उनका जन्मदिन है और आज विनायक चतुर्थी के नाम से इसको मनाया जाता है। तो कल से हम हवन भी यहाँ पे चल रहा है उन्हीं के नाम पे, और आज अभी इसकी समाप्ति भी होगी, उसके बाद जो भोग वोग होगा, वो भोजन वोजन होगा, वो लोग आएंगे, खाएंगे, प्रसाद करके जाएंगे। और ये जो मतलब रिलीजियस फंक्शन जितने भी होते हैं, किसी के धर्म के भी होते हैं, वहाँ पे जब लोग मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, क्योंकि ये पुरानी बात है, जहाँ लोग होंगे वहाँ खुदा होता है। अगर दिल और दिमाग से आप साफ आएंगे, ठीक है। और आज यही है कि हम बनाते आ रहे हैं, 90 से पहले भी बनाते थे, जब हालात बहुत ख़राब थे उस समय भी बनाते थे, और आज भी हम बनाते हैं। और ये हमने कभी बंद नहीं किया इनका जो जन्मदिन है। जैसे कि हम हमारे जो हमारा जो पर्व होता है हेरथ शिवरात्रि जिसको कहते हैं, वो हमने कभी बंद नहीं की हालातों में भी। तो इसी तरह ये इनका जन्मदिन भी हम हमेशा 90 से लेके जब से यहाँ से पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, और जितने भी बचे कुछ कश्मीरी पंडित रहे हैं, हमने यही कोशिश की कि इनका जन्मदिन या बाकी जितने भी त्यौहार हैं हमारे, वो कश्मीर में होते रहें, और एक भाईचारा की मिसाल हम दे दें, वो इसका पैगाम दे दें कि कश्मीर में हर एक मज़हब के लोग अपने मज़हबी रसूमात अच्छी तरह से करते हैं। उनको हम विनायक जी भी कहते हैं, उनके हज़ारों नाम हैं, आज उनका जन्मदिन है और आज विनायक चतुर्थी के नाम से इसको मनाया जाता है। तो कल से हम हवन भी यहाँ पर चल रहा है उन्हीं के नाम पर, और आज अभी इसकी समाप्ति भी होगी, उसके बाद जो भोग वोग होगा, वो भोजन वोजन होगा, वो लोग आएंगे, खाएंगे, प्रसाद करके जाएंगे। और ये जो मतलब रिलीजियस फंक्शन जितने भी होते हैं, किसी के धर्म के भी होते हैं, वहाँ पे जब लोग मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, क्योंकि ये पुरानी बात है, जहाँ लोग होंगे वहाँ खुदा होता है। अगर दिल और दिमाग से आप साफ आएंगे, ठीक है। और आज यही है कि हम बनाते आ रहे हैं, 90 से पहले भी बनाते थे, जब हालात बहुत ख़राब थे उस समय भी बनाते थे, और आज भी हम बनाते हैं। और ये हमने कभी बंद नहीं किया इनका जो जन्मदिन है। जैसे कि हम हमारे जो हमारा जो पर्व होता है हेरथ शिवरात्रि जिसको कहते हैं, वो हमने कभी बंद नहीं की हालातों में भी। तो इसी तरह ये इनका जन्मदिन भी हम हमेशा 90 से लेके जब से यहाँ से पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, और जितने भी बचे कुछ कश्मीरी पंडित रहे हैं, हमने यही कोशिश की कि इनका जन्मदिन या बाकी जितने भी त्यौहार हैं हमारे, वो कश्मीर में होते रहें, और एक भाईचारा की मिसाल हम दे दें, वो इसका पैगाम दे दें कि कश्मीर में हर एक मज़हब के लोग अपने मज़हबी रसूमात अच्छी तरह से करते हैं।